तो सादत अली खान को सलाम। मेरा भाइयों बहुत अहम बात आज आपसे करने लगा हूं। ये देखो कि आज मैं एक हल्दी के खेत में खड़ा हूं और ये देखो कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हल्दी का ये पौधा है, ये सारा जो है ये हल्दी का पौधा है। ये वही हल्दी है जहाँ ये दूध में मिला के पीवे तो जख्मन ने ठीक कर देवे। ये वही हल्दी है कि जो रोजमर्रा हमारा घरेलू इस्तेमाल में आवे, किचन में इस्तेमाल होवे, हमारा हर सालन में जो है वही हल्दी गिरे है। ठीक है, तो हल्दी जो है बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अभी जो हल्दी है देखो यह खेत में मैं मौजूद हूँ, तो यह खेत के अंदर मेरा भाइयों पहले इन्हें मकई बीजी है। ये देखो ये मकई का ये टाणा और बासु बार साथ ही हल्दी बीज ली। अब 3 महीना में मकई भी उठ गई और मकई को आप पतो ही है कि 1 किला में 120 मन मकई निकले। वंडा में भी इस्तेमाल होवे, जानवरों की फीड में भी इस्तेमाल होवे, चारा में भी इस्तेमाल होवे और साथ में हल्दी भी बीज ली। ठीक है, और हल्दी भी 3 से 4 माह की फसल है। अभी देखो कि हम बाजार से हल्दी ने लेके आवे मेरा भाइयों, वो हल्दी ना खालस से है, वहां में बुरा मिलाई रखे हैं, टेलन का बुरा मिलाई रखे हैं, वहां में मिलावट रहे हुए, यानी खालस हल्दी है। और माशाल्लाह हम जमींदार हैं, जमींदार घराना में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो जरई मुल्क है, 70% जो इलाका हमारा जरखेज है, तो कहीं ना ये हल्दी हम खुद बीजे। ये देखो कि दो दो फसल ले ली, मकई भी काट ली बीज के और साथ हल्दी भी बीज दी। तो आज मैं तमाम जमींदार लोग हैं सो अपना भाई सुई के हूँ कि खुदा रा हल्दी खुद बीजो, खालिस चीज खाओ, अपना घर वाला लू खालिस चीज खवाओ, खुद भी सेहतमंद रहोगा, घरानों भी सेहतमंद रहेगा और कोई सेहत को मसलो ना आसे। खुदा रा हल्दी अपना खेतन में बीजो, खेतन में हल्दी बीजो और खालिस हल्दी खाओ। शुक्रिया।